स्टूडेंट्स, तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या सीखा था, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, तो अब इधर हम उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस लेने वाले हैं। तो आई होप समझ में आए होंगे तुम्हें प्रॉपर्टीज का, तुमने प्रैक्टिस भी अच्छी की होगी। तो चलो देखते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से। तो क्या कर सकते हो तुम लोग, जो भी मैं क्वेश्चन आज लिखवाने वाला हूँ, पहले मैं तुम लोग क्या करो, जब भी मैंने क्वेश्चन लिख दिया, तुम अपने कॉपी में क्वेश्चन करके कॉपी करके यू कैन ट्राई ऑन योर ऑन, वीडियो को पॉज करके, और फिर अगर नहीं आता है, हटकता है, या फिर उसके बाद तो मेरा सोल्यूशन देखना, ठीक है। बट मैं तो कंटिन्यूस करने वाला हूँ, तुम लोग वीडियो पॉज करके हर एक क्वेश्चन सोल्यूशन स्टार्ट होने से पहले तुम लोग उसको खुद से ट्राई करो, खुद से करोगे तो ज्यादा सीखोगे एज कम्पेयर टू बाई लुकिंग इन टू द सोल्यूशन। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो दिस इज माई फर्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है, 81 की पावर में लिखा है लॉग ऑफ 7 टू द बेस 3। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो 81 को क्या है, हमारा 81 क्या है, 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर है इसका मतलब 3 की पावर 4। दिस 81 कैन बी रिटन एज 3 की पावर 4, और फिर इसकी होल पावर लिखा है हमारा लॉग ऑफ 7 टू द बेस 3। अब थोड़ी बहुत चीज आ रही है फील, क्या भाई ये 3 है, लॉग का बेस भी 3 है, तो एक प्रॉपर्टी हमने देखी थी क्या, a की पावर में लॉग टू द बेस a और इधर लिखा है b, तो क्या हो जाता था, ये नलीफाई हो जाता था, दिस विल बी b। बट उस प्रॉपर्टी को लगाने के लिए हमें क्या याद रखना है, उधर लिख भी लेना, लॉग का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, लॉग के आगे कुछ नहीं लिखा। अगर लॉग के आगे कुछ लिखा होता, लेट्स से ऐसा लिखा होता a की पावर लॉग ऑफ b टू द बेस a और इधर लिखा होता 2, तो फिर मैं इसको कैसे प्रोसीड करता फर्दर, पहले 2 को 1 बनाता, वो कैसे बना सकता हूं मैं, 2 को b की पावर में लेके जाता, तो दिस 2 कैन बी टेकन ऑन द पावर ऑफ b। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, a की पावर ऑन log b स्क्वायर टू द बेस a, अब ये चीज नलीफाई हो जाती, दिस विल बी b स्क्वायर, तो इसको भी तुम लिख लेना साइड में नोट करके, वही चीज अभी हम इधर लगाएंगे। अच्छा, उससे पहले एक और चीज क्या लगेगी इसमें, जैसे देखना ध्यान से, मैंने लिखा a की पावर अल्फा और इसकी पावर लिखा बीटा, दिस इज व्हाट, a की पावर अल्फा इनटू बीटा, ठीक है, ये होता है हमारा। तो उस प्रकार से क्या लिखा है इधर, 3 की पावर 4 और उसकी होल पावर ये लिखा है, तो दिस इज नथिंग बट 3 की पावर 4 इनटू लॉग ऑफ 7 टू द बेस 3, क्लियर है, ये तो मैंने ये वाली प्रॉपर्टी लगाई। अब मैं ये लगा रहा हूं ये वाली, तो इसको लगाने के लिए क्या होना चाहिए, मैंने लॉग जो लिखा है 3 की पावर में, उस लॉग का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो 1 बनाने के लिए मैं क्या करूं, इस 4 को इस 7 के ऊपर लेके गया, तो ये हो जाएगा 3 की पावर लॉग टू द बेस 3 और 7 की पावर 4, ठीक है। अब मुझे पता है ये तो कैंसिल कर देता है एक दूसरे को, द आंसर इज 7 रेज्ड टू 4, हैज दिस इज माय आंसर। समझ में आया बच्चों, तो वीडियो को पॉज करो, जिसको नहीं आया, जिसने सॉल्यूशन नहीं खुद से नहीं किया था वो कॉपी करो इसको, हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो आई एम रबिंग दिस पार्ट, जस्ट कॉपी दिस पार्ट, हम डिटेल में करेंगे हर एक सॉल्यूशन, हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, और धीरे धीरे हम अपना क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैं लिख लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन इज की पावर में log 7 टू द बेस 3 माइनस 7 की पावर में log 4 टू द बेस 9, हमें ये निकालना है, ठीक है। तो कैसे स्टार्ट करें, तो सबसे पहली चीज हमारी क्या आएगी दिमाग में कि देखो जब भी जैसे 9 दिया है तो हमें क्या देखा, बैक ऑफ माइंड क्या चलना चाहिए, 3 स्क्वायर, चलो 3 स्क्वायर है, मतलब 3 की पावर में है इधर, मतलब इस वाले लॉग का बेस भी 3 है, इसका भी बेस 3 है, तो देखते हैं कुछ तो अच्छी चीज है कि हाँ यहाँ 3 आ रहा है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, हम इस टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं पहले, तो इसको लिखा, ये तो मैंने एज इट इज लिखा, दिस माइनस 7 की पावर लॉग ऑफ 4 और 9 को लिखा 3 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर बेस है, थोड़ा ऊपर करके लिखता हूँ नहीं तो कन्फ्यूजन होगा, 3 स्क्वायर। अब कल याद है हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, देखो क्वेश्चंस करोगे ना तो प्रॉपर्टीज भी याद होंगी, ऐसे डायरेक्टली रटोगे प्रॉपर्टीज को शायद थोड़ा मे बी तुम भूलोगे, बट अगर क्वेश्चन के साथ साथ दोबारा प्रॉपर्टीज को पेज पलट के करोगे ना तो याद रहेगा। एक प्रॉपर्टी थी हमारी लॉग ऑफ ए और बेस की पावर था के, तो दिस इज, ये के आगे चला जाता 1/k, तो दिस इज 1/k लॉग ऑफ ए टू द बेस बी, वही प्रॉपर्टी अभी लगाते हैं, 3 की पावर में लिखा है 2, 3 तो बेस है, तो उस 2 को मैं आगे ले जाके क्या कर सकता हूँ, हाफ, तो दिस इज, चलो पूरा लिख लेते हैं, 2 की पावर लॉग 7 टू द बेस 3 माइनस 7 की पावर, ये 2 आगे जाके हाफ लॉग ऑफ 4 टू द बेस 3,
एक एक स्टेप में कर रहे हैं हम, ठीक है ना, हर एक स्टेप। अब देखना, अब ये हाफ है, अब मेरे को क्या करना है, ये हाफ, अब मैं लॉग का क्वेश्चन अगर वन बनाना है तो इस हाफ को मैं उधर लेके जाऊंगा फोर के ऊपर, या फिर ऐसा बोल सकते हैं फोर को लिख सकता हूँ मैं टू स्क्वायर, उस टू को मैं इधर लेके आऊंगा, वन एंड द सेम थिंग। तो लिख लेते हैं टू लॉग सेवन टू द बेस थ्री माइनस सेवन, इस हाफ को लॉग का आर्ग्यूमेंट जो है ना फोर उसके ऊपर लेके गए, तो फोर की पावर हाफ क्या होगा, टू, तो ये हो गया लॉग टू टू द बेस थ्री। देखो या तो ऐसे लिख लो या फिर क्या लिखो, इस फोर स्क्वायर को फोर को लिख लो टू का स्क्वायर और फिर वो टू आगे लेके आ जाओ, क्लियर है। अच्छा अब ध्यान देखना, अब बहुत इंपॉर्टेंट जो हमने लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी प्रॉपर्टी नंबर एट वो लगा रहे हैं हम, ध्यान से देखो। अगर हम प्रॉपर्टी क्या बोलती थी, पहले प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, रिवाइज हो जाएगा, ए की पावर में लॉग बी टू द बेस सी, क्या लिखा, ए की पावर में लिखा है लॉग बी टू द बेस सी, तो इस ए और बी को वी कैन इंटरचेंज, वी कैन राइट दिस एज बी की पावर में लॉग ए टू द बेस सी, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं क्या करूं, इस टू और इस सेवन को इंटरचेंज कर देता हूं, इस टू और इस सेवन को, तो क्या हो जाएगा मेरा, सेवन की पावर में लॉग टू टू द बेस थ्री, और इधर मेरा ऑलरेडी लिखा है माइनस सेवन लॉग टू टू द बेस थ्री, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ गया ये, तो ये दोनों बराबर आ गए, दोनों में बीच में सब्ट्रैक्शन है, यस द आंसर इज जीरो, क्लियर है। काफी मजेदार चीज है, मतलब काफी अच्छी अच्छी छोटी छोटी प्रॉपर्टी दो तीन बार यूज हो गई छोटे से क्वेश्चन में, और आंसर भी हमारा बहुत आसान सा है, बहुत सिंप्लीफाइड आया, दैट इज जीरो, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो, कॉपी करो, हम जंप करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज हम क्वेश्चन का लेवल थोड़ा इजी रखेंगे, ज्यादा टफ पे जंप नहीं करेंगे, एक दो एक आध दिन के अंदर हम फिर लेवल एकदम बढ़ाएंगे, ठीक है, सो दैट तुम लोग भी कॉन्फिडेंस मेंटेन रहेगा तुम्हारा, नहीं तो अभी मैं एकदम हाई क्वेश्चन दे दूं तो तुम्हें लगेगा बहुत हार्ड है, क्योंकि जब तक तुम्हें प्रॉपर्टीज एकदम टिप्स पे नहीं होता है तब तक मुश्किल है, ठीक है ना, हार्ड क्वेश्चन टफ करने। और एक चीज और, अभी तुम क्या करो, कोई भी जैसे मान लो, वैसे तो मैं शीट दूंगा ही लॉक का, अगर जब तक नहीं देता हूँ तो तुम इंटरनेट पे सर्च करके लॉग के क्वेश्चंस करो और इवन ट्राई ऑन योर ओन नाउ, क्योंकि लॉग में ज़्यादा थियरी नहीं है, मेन वो था जो प्रॉपर्टीज थी उन्हीं के बेसिस पे तुम्हें क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर कर लो क्वेश्चंस जो लॉग के आए हुए हैं, या फिर तुम क्या बोलते हैं एक बुक आती है एस एल लोनी करके, वो उसमें भी आते हैं क्वेश्चन, मतलब दो तीन बुक्स और है, एक काम करूँगा मैं एक बार व्हाट्सएप पर तुम लोगों को स्टैंडर्ड बुक्स बता दूंगा, और उसको तुम एक साइट है जेई मेन गुरु करके, उधर तुम्हें उसकी हार्ड सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी, अभी परचेज करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी अभी लॉकडाउन है तो अभी शायद तुम मिलेगी, ऑनलाइन ऑर्डर हो भी नहीं पाएगी, तो फॉर टिल दैट टाइम यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम दैट साइट, उस साइट का नाम मैं इधर लिख देता हूँ, JEE मेन गुरु, तुम गूगल पे इतना डालना तो आ जाएगा, उसमें सारे मटेरियल मिल जाएंगे तुम्हें, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हर एक मटेरियल मिल जाएगा, हर एक शीट मिल जाएगी, ठीक है ना, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन दैट साइट, ठीक है। तो अभी के लिए लॉकडाउन का, लॉकडाउन में हम खरीद तो सकते नहीं हार्ड कॉपी, तो उस वक्त के लिए तुम इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और एक चीज और बिफोर प्रोसीडिंग क्वेश्चन, कुछ लोगों ने, बच्चों ने मुझे बुक्स पूछा था, तो मैं उधर एक बार मेंशन कर देता हूँ, देखो आरडी शर्मा एक तो है, आरडी शर्मा हमें बोर्ड वाला नहीं लेना है, ठीक है, जिसकी मर्जी हो वो ले सकता है, बट जो मैं क्लास में लूंगा इलस्ट्रेशंस वगैरह होमवर्क वगैरह दिया करूंगा वो है ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स, ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स फॉर JEE मेन एंड एडवांस, ऐसा आता है फॉर JEE मेन एडवांस, ठीक है, फॉर JEE मेन एंड एडवांस। अच्छा इसमें दो वॉल्यूम आते हैं, वॉल्यूम वन और वॉल्यूम टू, देखो मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स जो है तुम्हारे 11th क्लास के वो वॉल्यूम वन में है, बट तुम्हें वॉल्यूम टू भी खरीदना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि कुछ पार्ट शायद ट्रिग्नोमेट्री जो है वो वॉल्यूम टू में दे रखा है, तो क्या करोगे तुम दोनों को ही परचेज करोगे, केवल वॉल्यूम वन नहीं लेना है, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री हम 11th क्लास में पढ़ने वाले हैं, तो वॉल्यूम वन वॉल्यूम टू आरडी शर्मा की, तो ये दिस इज अ मस्ट बुक, मतलब ये तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, और अगर किसी को थोड़ा सा एडवांस के लिए भी तैयारी करनी है तो एक आती है सीनेज पब्लिकेशन का, सीनेज पब्लिकेशन, और मैथ्स में जिनका राइटर का नाम है वो है जी तिवानी, घनश्याम तिवानी, ठीक है, दिस इज द राइटर जी तिवानी, उन्होंने पांच वॉल्यूम निकाले हैं, तो उन पांच में से हमें अभी एट प्रेजेंट वी हैव टू बाय फॉर 11th क्लास तीन वॉल्यूम लेने हैं, जिसमें पहला प्रायोरिटी रहेगा हमारा एलजेब्रा, दूसरा रहेगा हमारा ट्रिगोमेट्री,
और तीसरा रहेगा हमारा कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये तीन लेने, टोटल पांच आते हैं। दिस इज फॉर 11th क्लास, और 12th के लिए मैं इधर लिख रहा हूं, देखना। फोर्थ जो आता है वो हमारा आता है 3D वेक्टर करके, एक ही में आता है 3D और वेक्टर। और एक आता है हमारा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरे जेई के लिए, दैट इज कैलकुलस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द जिसका सबसे हाईएस्ट वेटेज है पूरे मैथमेटिक्स में, कैलकुलस। तो सीनेट के पांच वॉल्यूम आते हैं, जिस जो कि तीन 11th के लिए है, एंड दीज आर फॉर 12th क्लास। बट आरडी शर्मा तुम्हें वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 ही आते हैं, और दोनों ही खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द बुक्स, क्योंकि बहुत से बच्चों ने मुझे पूछा, तो मैंने सोचा कि एक बार लेक्चर में, ड्यूरिंग लेक्चर आई विल टेल, सो दैट हर एक बच्चे को पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लो, पॉज करके मैं क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ, मैं हट जाता हूँ, एक बार पॉज करो अच्छे से, इसको अच्छे से कॉपी करो। और अभी मैंने क्या बोला, जब तक हमारी ऑर्डर नहीं हो पाती, जब तक लॉकडाउन वगैरह नहीं हटता, तब तक जेई मेन गुरु करके जो साइट है उस पर मोस्ट ऑफ द सारे कॉपी, सारे जो हमने टेक्स्ट बुक है, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स मैथ्स के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, उन सबके हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपीज अवेलेबल है। यू कैन डाउनलोड इट एंड इट्स फ्री, यू डोंट नीड टू लॉग इन ऑल्सो, मतलब उसमें ऐसा नहीं तुम्हें रजिस्टर वगैरह करना पड़ेगा, डायरेक्टली यू कैन डाउनलोड इट। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखना सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले खुद से ट्राई करना वीडियो पॉज करके। तो क्वेश्चन इज लॉग ऑफ 5 और बेस दे रखा है 0.008, log of 5 to the base 0.008। तो पहले हम बेस को देख लेते हैं, पहले बेस को हम डेसिमल वगैरह हटा देते हैं, फ्रैक्शन में देखते हैं क्या आ रहा है। तो अलग से मैं इसको लिख रहा हूँ, बेस को 0.008, सो दिस इज 8/1000, ऐसे करते हैं डेसिमल को, ऐसे हटा के नीचे 1000। अब देखना ध्यान से, ये 4 टाइम्स गया 2 से, और ये हमारा गया 500 टाइम्स, फिर ये 2 टाइम्स, ये 250 टाइम्स, फाइनली 1/1125। तो 0.008 इज 1/1125, और 1/1125 इज 1/5³, एंड चलो ठीक है 1/5³, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 5^-3। सभी चीज सेम है जो मैंने लिखा है, क्या क्या, 0.008, 1/1125, 1/5³, एंड 5^-3। अब हम इसको इधर रख देते हैं, तो ये क्या आया, log of 5 टू द बेस 5^-3। अब मुझे पता है बेस की पावर अगर k होता है तो वो आगे जाके क्या होता है, 1/k, तो दिस इज -1/3 log of 5 टू द बेस 5, और अगर बेस और आर्ग्यूमेंट सेम होता है तो दिस क्वांटिटी इज 1, तो फाइनल आंसर कितना आया, -1/3। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, बट अगेन प्रॉपर्टीज का यूज किया हमने, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज की, एक तो बेस में अगर पावर होता है k, तो आगे जाके 1/k हो जाता है, और एक प्रॉपर्टी क्या थी, log a टू द बेस a इज 1, जब बेस और आर्ग्यूमेंट सेम होते हैं तो log की वैल्यू क्या होती है, 1। क्लियर है, तो अगेन पॉज करके कॉपी करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। log टू द बेस 3, और फिर रखा है इसके अंदर log टू द बेस 2, और फिर एक और ब्रैकेट log 81 टू द बेस √3, ये वाला ब्रैकेट के लिए ये, और बड़े वाले के लिए ये। ठीक है, तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, चलो तो देखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अंदर वाले log से, तुम लोग क्या कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो, तो देखते हैं हम। तो मैंने बोला पहले इस log पर कंसंट्रेट करते हैं हम, ये वाले ब्रैकेट पे, देखना मैं रेड कलर से मार्क कर देता हूँ, ये वाले ब्रैकेट पे कंसंट्रेट करते हैं, ये वाले ब्रैकेट पर, ठीक है ना, जो मैं रेड के अंदर लिख रहा हूँ उस ब्रैकेट के अंदर कंसंट्रेट कर रहे हैं, ठीक है, आई एम कंसंट्रेटिंग ऑन दिस। तो 81 और 3 देखिए, मेरे को दिमाग में क्या आना चाहिए कि 81 क्या होता है, 3 की पावर कितना होता है, 81 को क्या लिखते हैं, पहले चलो लिख लेते हैं, 81 इज 9 स्क्वायर विच इज 3^4। अगर 3^4 है तो अच्छा, अब इसको देखना दो तरीके से सोच सकते हैं, या तो मैं क्या करूं, ये √3 की पावर हाफ लिखा है, उस हाफ को आगे ले जाता हूं, k होता है तो 1/k हो जाता है, तो इधर 2 आ जाएगा, 1/2, या फिर क्या बोल सकता हूं मैं, इस 3^4 को मैं लिख सकता हूं √3^8, वन एंड द सेम थिंग, ये इसके बराबर है, जो √3 मतलब 1/2 पावर, और 8 × 1/2 इज 4, तो 3^4 ही लिखा है। तो एक तरीका तो हो गया इसको ऐसे लिखने का, देखना log of
3 की पावर 8 और बेस क्या दे रखा है रूट 3। फिर 8 को मैं आगे लेके आ सकता हूँ, जैसे 8 टाइम्स लॉग ऑफ रूट 3 टू द बेस रूट 3 एंड दिस इज 1, तो फाइनली कितना बना ब्रैकेट के अंदर 8। क्लियर है? या फिर इसी को बोलने का एक और तरीका था, देखना ध्यान से, तुम्हें दोनों से लिखना। क्या लिख रहा हूँ मैं? लॉग ऑफ 81 और इधर लिखा है 3 की पावर हाफ। अगर बेस की पावर की होता है तो उल्टर जाके 1 बाय की होता है, तो 1 डिवाइड बाय 1 बाय 2 1 बाय 2 और ये हो गया लॉग ऑफ 81 की टू द बेस 3। 1 को हाफ से डिवाइड करेंगे 2 आगे आ जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा 2 लॉग 81 को 3 की पावर 4 टू द बेस 3। अब इस 4 को आगे ले आते हैं, तो दिस इज 8 लॉग 3 टू द बेस 3 एंड दिस इज 1, तो फाइनली दिस इज आल्सो 8। तो समझ में, दोनों तरीके से कर सकते हैं, तो डिपेंड है कि हम कितना कंफर्टेबल है प्रॉपर्टीज में, ठीक है ना। और भी तरीके हो सकते हैं, ऐसा नहीं ये दोनों ही है, बट कब आएगा जब हमें तरीके, जब हमें काफी प्रैक्टिस होगी, ठीक है ना। तो तुम्हें प्रैक्टिस बहुत करनी है प्रॉपर्टीज की, तो इतना लिख लिया, तो लिख लो, फिर मैं आगे प्रोसीड करता हूँ, ठीक है। इतना पार्ट यू जस्ट कॉपी दिस, मैं इसको रब कर रहा हूँ, देखना। अब मेरा पहला ब्रैकेट क्या आ गया, मैंने देख लिया 8 आ गया, तो उसकी जगह 8 लिख देते हैं। धीरे धीरे अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे हम, तो ये हो गया हमारा लॉग टू द बेस 3, फिर लॉग टू द बेस 2। अब ये वाला ब्रैकेट क्या आया था मेरा 8, अभी फिर क्या क्लिक करना चाहिए, 8 इज 2 क्यूब, तो 8 को मैंने लिख दिया 2 क्यूब, तो ये हो गया लॉग लॉग ऑफ 2 क्यूब टू द बेस 2। फिर ये 3 को मैं इस वाले लॉग के आगे लेके आ सकता हूँ, क्यों? क्योंकि जो इस वाले लॉग का आर्ग्यूमेंट है उसकी पावर है 3, सो दिस इज लॉग 3 लॉग 2 टू द बेस 2। और ये क्या होता है, लॉग a टू द बेस a1 होता है, तो ये बेस ऑलरेडी 3 है ना, ठीक है, तो ये माना लॉग 3 टू द बेस 3 एंड दिस इज अगेन 1। तो वो पूरा जो इतना बड़ा एक्सप्रेशन था सिंप्लीफाई होकर क्या आ गया, 1। क्लियर है बच्चों? ठीक है ना, तो पॉज करके कॉपी करो, और अगर कोई भी दिक्कत आती है किसी भी स्टेप में, या फिर तुम हो सकता है तुम अगर तुम्हें लगता है कि इससे बेटर अप्रोच तुम सोच पाए कोई, तो फील फ्री, मतलब तुम मुझे बिल्कुल बिंदास बता सकते हो, ठीक है ना। ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस अगर तुम्हें लगता है कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, यू कैन डिस्कस विद मी कि सर मैंने ऐसे किया तो मेरा आ रहा है आंसर, आप देख लो कि सर प्रोसीजर करेक्ट है या नहीं है, सो आई विल वेरीफाई, ठीक है ना। तो वीडियो को पॉज करो, कॉपी करो, नाउ आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कुछ होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगा, अभी पहले हम कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, देखना। तो क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, 4 की पावर में लॉग ऑफ 3 टू द बेस 9 प्लस 9 की पावर में लॉग ऑफ 4 टू द बेस 2, तो ये हमें निकालना है, तो करते हैं इसको। ये तो पहले टाइप का क्वेश्चन है जो मैंने पहले कराया था, अभी आज की लेक्चर में शुरू में कराया था, जिसमें हम वो नीचे वाले बेस और लॉग का आर्गुमेंट को इंटरचेंज करते हैं, उसी टाइप की फील आ रही है, क्योंकि 4 की पावर में लॉग लिखा है। और अच्छा, उससे पहले क्या करते हैं हम, जो टर्म्स हैं जैसे 9 है उसको 3 स्क्वायर लिख लेते हैं, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, मतलब टर्म्स को छोटा करते हैं। तो जैसे 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखना ध्यान से, पहले मैं इस टर्म को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, लेटर आई विल सिंप्लीफाई दिस टर्म, और तुम लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो वीडियो पॉज करके। तो 4 को क्या लिखा, 2 स्क्वायर, अच्छा इधर लिखा है लॉग 3, और इस 9 को लिखा 3 स्क्वायर, एक ही स्टेप में क्या लिखा, इस 4 स्क्वायर, इस 4 को लिखा 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर का पावर ये हो जाएगा, तो 2 की पावर 2 इंटू दिस हो जाएगा। फिर इस 2 को मैं आगे ले जाके आता हूँ, बेस का पावर है 3 की पावर है बेस की पावर में 2 लिखा है, तो उस 2 को मैं आगे लेके आ सकता हूँ, वो हाफ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखना 2, एक तो 2 पहले से लिखा है और ये वाला 2 नीचे आएगा, 1 बाय k बन के आता है, तो log 3 टू द बेस, ये 2 से ये 2 गया, अब log 3 टू द बेस 3 क्या है 1, तो 2 की पावर 1 इज 2। काफी छोटे छोटे क्वेश्चन है बट प्योर एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। चलो ये हो गया 2, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं सेम लाइन पे, देखना, या तो 9 को तुम लिख लो 3 का स्क्वायर, नहीं भी लिखना है तो भी चलेगा, बट चलो ठीक है हम लिख लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि आई यूज टू प्रेफर प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब मैं चाहता हूँ कि बड़े से बड़े नंबर को मैं छोटे से छोटे नंबर में लिख लूँ, उसके बाद सिंप्लीफाई करूँ, तो आई स्टिक टू दैट रूल। तो मैंने लिखा 3 स्क्वायर और लिखा लॉग, और 4 को लिख दिया 2 स्क्वायर टू द बेस 2। अब जो लॉग का आर्ग्यूमेंट का पावर है वो आगे लेके आ सकता हूँ मैं, तो जो जाएगा 3, एक 2 ऑलरेडी था और इंटू 2 एक और हो जाएगा लॉग 2 टू द बेस 2, और ये चीज क्या हो गई 1, तो फाइनली 3 की पावर 4 विच इज 81, तो 81 प्लस 2 83 इज माय आंसर।
है छोटा दिखने में लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज के एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज के एक अच्छा क्वेश्चन बोलेंगे इसको, ठीक है। चलो तो पॉज करो, कॉपी करो, मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन इज log of 1728 to the base 2 root 3, इसकी वैल्यू निकालनी है 1728। तो अगर देखो वैल्यू कब इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, इसका मतलब डेफिनेटली 99% क्या हो रहा होगा, 99 क्या बोल सकते, 100% बोल रहा हूँ मैं कि क्या हो रहा होगा इन मोस्ट इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो जो 1728 है 100% वो लिखा हो पा रहा होगा 2 root 3 की पावर में। कैसे मैं बोल रहा हूँ, दैट आई कैन राइट एस 2 रूट 3 की पावर समथिंग, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे उसको हम देखते हैं। देखना पहले मैंने इसको फैक्टराइज किया। फैक्टराइज कैसे करते हैं, जैसे बचपन में तुम पढ़ते होगे ये मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन, आई होप पता होगा, ठीक है। तो कैसे करते हैं हम, छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, तो पहले ये 2 से जा रहा है तो ये 2 गया, फिर ये 17 है तो कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम्स 16, तो 1 6 1 12 6 टाइम्स 4, फिर 2 से दोबारा गया तो 4 3 2, फिर 2 से दोबारा गया 2 1 6, फिर 2 से दोबारा गया 1 0 8, फिर 2 से दोबारा गया 54, और लास्टली फिर दोबारा 2 से गया 27, फिर ये 3 से गया 9 3 3 3 1, ये हम बचपन में किए। तो इस 1728 को, 1728 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 इंटू और 3 1 2 3, तो 3 कितनी बार है, 3 बार है, ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखना 2 की पावर 6 लिखा, इस 3 को लिख दिया, देखना मैं ध्यान से क्या कर रहा हूँ मैं, तो दो तरीके हैं इसके, अच्छा 2 रूट 3 ऑलरेडी दिया है ना, तो ठीक है मुझे 2 रूट 3 टाइप की चीज जनरेट करनी है, तो मैंने क्या लिखा, 3 के क्यूब को मैं ऐसे लिख सकता हूँ रूट 3 की पावर 6, वन एंड द सेम थिंग, ये और ये सेम है। अब इन दोनों को क्लब कर सकता हूँ, मतलब 2 की पावर 6 और रूट 3 की पावर 6 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कंबाइन करके 2 रूट 3 इसकी होल पावर 6। तो जैसा कि मैंने बोला था शुरू में कि अगर ऐसा क्वेश्चन है तो 100% जो आर्ग्यूमेंट है वो पक्का 2 रूट 3 की पावर समथिंग लिखा होगा, ठीक है, दबी नहीं तो जो आंसर आएगा वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट आएगा अगर ऐसा नहीं होगा तो, लेकिन अगर आंसर सिंप्लीफाइड फॉर्म आ रहा है तो पक्का दिस कैन बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ दिस, और जो कि आ गया तो बस इसको हम उधर रख देते हैं। तो देखना क्या आया, लॉग ऑफ 2 रूट 3 की पावर 6 टू द बेस 2 रूट 3, तो ये कितना आया 6, ये 6 आगे आ गया, तो लॉग आर्ग्यूमेंट ऑफ बेस सेम होगा, हैंस आंसर 6, क्लियर है, समझ में आया ना, ठीक है। अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस कैटेगरी का, इसको मैं रब कर रहा हूं, तुम लोग पॉज करके कॉपी करो। इसी सेम कैटेगरी का एक काम करो, तुम इसको होमवर्क के तौर पे लिख लो, ठीक है, क्योंकि एकदम सेम है, कुछ अलग नहीं है, तुम फालतू हम लोग का टाइम होगा इधर, इससे अच्छा है कि तुम लोग ट्राई करो, ठीक है ना, तो पता भी चलेगा तुम लोग को समझ में आया कि नहीं। सो आई एम राइटिंग इट हियर डायरेक्टली, दिस यू कैन ट्राई ऑन योर ओन, एकदम सेम कैटेगरी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी अंतर नहीं है, थोड़ा अगर अंतर होता कुछ सीखने मिलता तो मैं ले लेता इलस्ट्रेशन क्लास में, इससे अच्छा है कि हम कुछ और अच्छे क्वेश्चन करें। सॉरी इसका मैंने आंसर भी लिख दिया, तो यू हैव टू ट्राई दिस, ठीक है। तो अगेन जैसा कि मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बोला था क्या, कि जो आर्ग्यूमेंट है 100% 3 रूट 2 की पावर में आ रहा होगा, तो कैसे स्टार्ट करना, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो, ठीक है, तो दिस यू कैन ड्रॉ, तुम लोग करना इसको। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अब होमवर्क क्वेश्चन नहीं, अब मैं क्लास में लूंगा, अभी मैंने लिखा लॉग ऑफ एक्स टू द बेस रूट 8 इज इक्वल टू 3 1/3, ये वाला नोटेशन तुम पढ़े होगे बचपन में, ठीक है, चलो तो करते हैं इसको, तुम लोग उससे भी ट्राई कर सकते हो वीडियो पॉज करके, ठीक है। चलो अब पहले तो इसको लिख लिया, ये कैसे लिखते थे हम, जैसे बचपन में याद होगा ना 2 1/2 लिखा है, तो इसको करते हैं 2 into 2 4 + 1 5/2, तो दिस इज 5/2, जैसे मैंने कहा 3 1/4, तो 3 into 4 12 12 + 1 13/4, क्लियर है, तो वही चीज़ इधर लिखी है 3 into 3 9 9 + 1 10, क्या लिखा 3 into 3
plus 1 upon 3. So this is 10 by 3. This is given as log of x to the base a rooted. Nikalna kya hai mujhe? Find x. X nikalna hai is question mein. To karte hain. तो वही लॉग से एक्सपोनेंशियल लॉग को कैसे रिमूव करते हैं देखना ध्यान से एक बार ये x को मैंने इधर लिखा इज इक्वल टू बेस उधर चला जाता है रूट एट और इसकी पावर में आर एच एस आ जाता है जिस 10 बाई 3 क्लियर है अच्छा अब क्या किया सिंप्लीफाई किया तो देखना रूट एट मतलब 8 की पावर 1 बाई 2 और एक ऑलरेडी पावर है 10 बाई 3 अच्छा फर्दर 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का क्यूब सो देखना ध्यान से 2 का क्यूब और एक ऑलरेडी हाफ है इंटू हाफ इंटू एक 10 बाय 3 ऑलरेडी है तो देखना क्या आया हमारा ये 3 से ये 3 कैंसिल ये 2 से ये 5 टाइम्स कैंसिल तो फाइनली दिस इज 2 की पावर 5 एंड विच इज 30 क्लियर है समझ में आया ना ठीक है तो पॉज करो कॉपी करो इसको चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कुछ अच्छा क्वेश्चन देखना अब एक मजेदार क्वेश्चन है शो दैट 7 टाइम्स लॉग ऑफ 16 टू द बेस 15 प्लस 5 टाइम्स लॉग ऑफ 25 टू अपॉन 24 प्लस 3 टाइम्स लॉग ऑफ 81 अपॉन 80 is equal to log 2. Of course, base same है सभी log का, वो हम कुछ भी ले सकते हैं, वो हमारी मर्जी है, तो इसने नहीं दिया, तो we can take it any log, any base. But हाँ, it should be same in for all the four logs. एक तो RHS में लिखा है और 3 इधर लिखे हैं. तो start करते हैं. क्या बोला उसने? इन तीनों का sum log 2 के बराबर. मतलब इसको simplify करेंगे. Simplify होते होते होते, ये केवल log 2 बचेगा. ठीक है? This we have to show that. ठीक है? चलो, तो क्या करें? Start करते हैं. तो इस वाले क्वेश्चन में क्या किया ना इस कैटेगरी क्वेश्चन में जो भी नंबर्स दिए उनको छोटे फॉर्म में कन्वर्ट किया जैसे कि मैंने पहले बोला था कि जब भी हमारे पास जैसे 16 दिया है तो आई विल प्रेफर कि हम उसको लिखें 2 की पावर 4 15 लिखा है तो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या लिखूंगा 3 इंटू 5 मान लो 20 लिखा है तो 20 को क्या लिखूंगा 4 इंटू 5 और 4 को फर्दर लिखूंगा 2 स्क्वायर तो 2 स्क्वायर इंटू 5 तो हम बड़े नंबर्स को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखना कैसे लिखा ये लिखा 7 लॉग अब ध्यान से लिखना 16 को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 अपॉन एक अच्छा क्वेश्चन है तुम लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो 15 को 3 इंटू 5 प्लस 5 लॉग 25 को 5 स्क्वायर अच्छा अब 24 को कैसे लिखूंगा 24 इज 12 इंटू सॉरी एक मिनट 24 को कैसे लिखूंगा मैं 12 इंटू 2 और इस 12 को लिखूंगा 4 इंटू 3 इंटू 2 और फर्दर इस 4 को 2 स्क्वायर तो 2 क्यूब इंटू 3 8 3 जा 24 करेक्ट है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 क्यूब इंटू 3 समझ में आया क्या लिख रहा हूँ मैं जो भी नंबर्स है उनको प्राइम फैक्टराइज छोटा करके लिख रहा हूँ ऐसा क्यों लगा लिख रहा हूँ अभी उसका मतलब भी समझ में आ जाएगा ऐसा कर क्यों रहे 24 इज 12 इंटू 3 8 इंटू 3 सॉरी हाँ फर्दर नाउ ये आया हमारा 3 लॉग 81 को जैसा अभी तो बहुत बार आ चुका हमारे पास 81 3 की पावर 4 अपॉन 80 को क्या लिख सकते हैं 80 क्या होता है 8 फाइव जा सॉरी 8 16 फाइव जा और 16 इज 2 की पावर 4 इंटू 5 तो 2 की पावर 4 इज 16 इंटू 5 80 तो इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 इंटू 5 क्लियर है आई होप जहाँ तक क्लियर हो गया होगा अभी कुछ नहीं किया मैंने सिंपली जो नंबर्स थे बड़े बड़े उनको छोटों में फैक्टराइज किया अब क्या कर रहा हूँ मैं देखना मुझे क्या करना है 3 लॉग को 1 लॉग में कन्वर्ट करना है इसका मतलब 100% कौन सी प्रॉपर्टीज हो रही होगी लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी इज लॉग ए बी सी बट उस प्रॉपर्टी को लगाने के लिए जैसे कि मैंने कल बोला था कि लॉग के आगे के कोफिशियंट 1 होना चाहिए बट एट प्रेजेंट जो 3 लॉग दिए हैं उनमें जो आगे के कोफिशियंट्स हैं दे आर नॉट 1 दे आर हियर 7 हियर 5 हियर 3 तो क्या करें 1 बनाने के लिए इनको आर्ग्यूमेंट के ऊपर लेके जाते हैं तो अगला स्टेप क्या होगा मेरा इस 7 को मैं इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ इस 5 को इसके ऊपर और इस 3 को इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट के ऊपर तो देखना क्या हुआ लॉग ऑफ
2 की पावर 4 अपॉन 3 इंटू 5 इसकी पावर 7 प्लस लॉग ऑफ 5 स्क्वायर 2 क्यूब इंटू 3 इसकी पावर 5। ये मत बोला लॉग का बेस नहीं लिया, लिया है वो बाय डिफॉल्ट तुम कुछ भी मान लो, ठीक है ना। दैट विल नॉट चेंज माई आंसर जो मुझे प्रूव करना है, बट इतना है कि सभी का सेम मानना पड़ेगा। लॉग ऑफ 3 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4 इंटू 5 इसकी पावर 3। अब मैं पावर्स को अंदर लेके जा रहा हूँ, देखना लॉग ऑफ, उसके बाद हमारा अगले स्टेप पे ही आंसर आ जाएगा। जब 7 को पावर लेके जाऊँगा तो न्यूमरेटर में ही जाएगा, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 7 28, तो 2 की पावर 28, और 3 की पावर में आएगा 7 और इधर आएगा 5 की पावर में 7 प्लस लॉग ऑफ, अगेन ये 5 को अंदर भेजूंगा तो ऊपर क्या आएगा 5 की पावर 10, इधर आएगा 2 की पावर 5, 3 द 15 और इधर आया 3 की पावर 5 एंड लास्टली हियर लॉग ऑफ 3 की पावर 4, 3 द 12 और इधर क्या आया 2 की पावर 4, 3 द 12 और 5 की पावर 3। अब क्या करें, हम अब वाला फॉर्मूला लगाते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी log of abc, आर्ग्यूमेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कब कर सकते हैं, जब log के आगे का कोफिशियंट 1 है, वो मैंने बना लिया। बनाया कैसे, जो आगे कोफिशियंट दिया था उनको आर्ग्यूमेंट के पावर में लेके गया, तो ये हो गया हमारा log of। अब देखना सारे को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, दिस इज 2 की पावर 28 अपॉन 3 की पावर 7 5 की पावर 7 इनटू 5 की पावर 10 2 की पावर 15 3 की पावर 5 इनटू 3 की पावर 12 अपॉन 2 की पावर 12 5 क्यूब। अब मतलब अगर ऐसा करेक्ट है ये प्रूव करना तो ये सिंपलीफाई होके 2 आ जाना चाहिए, तो वो देखते हैं कैसे आ रहा है। तो ध्यान से देखो, पहले मैं 3 पे कंसंट्रेट कर रहा हूं, ये 3 की पावर 7 है, ये 3 की पावर 5 है, तो इन दोनों को मिला के कितना होगा 3 की पावर 12 और इधर न्यूमरेटर में 3 की पावर 12 लिखा है, तो ये और ये कैंसिल हो गया, ब्लू से मैंने मार्क किया। अब देखना, अब मैं 5 की पावर देख रहा हूं, देखो 5 की पावर 7 इधर है 3 इधर है, तो 10 हो गया डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में 5 की पावर 10, तो 5 की पावर भी कैंसिल हो गई। अब आते हैं हम 2 की पावर में, तो 2 की पावर न्यूमरेटर में तो देखा है 2 की पावर 28, नीचे 2 की पावर 15 15 और 12 27, तो ऊपर 28 है नीचे 27, तो ऊपर कितना बचेगा नेट 1, तो हेंस दिस इज लॉग 2, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी लग रहा है लेंदी, बट इतना लेंदी है नहीं एक्चुअली, ठीक है ना, जब तुम लोग खुद से करोगे ना एक बार, जब स्पीड आ जाएगा तो बहुत आसानी लगेगा। तो हमने इसमें क्या क्या चीज़ सीखी, एक तो कि जब नंबर्स बल्कि दिए हुए हैं, देखो कभी भी कोई क्वेश्चन करते हो ना तो उसके बाद तुम्हें खुद से एनालाइज करना चाहिए 2 मिनट के लिए, कि हमने इसमें क्या सीखा, क्या नया सीखा, ठीक है ना। अगर नया सीखा है तो उसको नोट डाउन करके लिख लिया, सो दैट जब हम, क्योंकि जब हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेंगे ना तो एक साथ रिकॉल नहीं कर सकते। अभी क्या है, हम इस टॉपिक में घुसे हुए हैं, मतलब वी कैन गो इनटू डीप डेप्थ ऑफ दिस चैप्टर, बट क्या होगा जब मान लो आज से 5 महीने बाद 6 महीने बाद, तो मैं इतनी बारीक बारीक चीज़ें नहीं पता होंगी इस चैप्टर की, अगर तुमने अभी से वो चीज़ नोट डाउन नहीं की कि तुमने इससे क्या सीखने मिला, ठीक है ना। तो इसलिए हर क्वेश्चन, जो भी तुम्हें क्वेश्चन जैसे मैं क्लास में ले रहा हूँ, तो जस्ट मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर क्वेश्चन से कुछ नया ही सीखने मिलेगा, डेफिनेटली नहीं, मैक्सिमम क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन रिपीटेड होंगे प्रीवियस कंसेप्ट से, वो इसलिए कराए जाते हैं जिससे तुम्हें याद हो जाए चीज़ें, नया क्वेश्चन इसलिए दिया जाता है कुछ नया सीखने मिले। तो हमें क्या करना है, जो नए क्वेश्चन सीखने मिल रहे हैं, नए क्वेश्चन जो मैं देता हूँ ना उसमें जो कुछ नया कुछ सीखने मिल रहा है उसको तुम अलग से नोट करके खुद के लैंग्वेज में लिख लो, इंग्लिश हिंदी मराठी वॉट एवर लैंग्वेज कंफर्टेबल हो जिसमें तुम, उसको अपने लैंग्वेज में लिख लिया। जैसे मैं मान लो मुझे लिखना हो इसका क्वेश्चन में क्या सीखने मिला, तो मैं जैसे हिंदी में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा कि जब भी लॉग के अंदर बड़े नंबर्स दिए हो तो उनको, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ बता देता हूँ, तो उनको सिंप्लीफाई, तो उनको प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, आई विल प्रेफर टू रिड्यूस दोस नंबर्स इन साइज, ठीक है ना, ऐसा मेरा खुद का मानना है, ठीक है। ऐसे तो ये सीखा एक, तो प्लस दूसरी चीज हमने एक और चीज सीखी जो कल ऑलरेडी बताया था मैंने, कि जब भी हमें लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी करना है तो सभी लॉग के आगे का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ठीक है। सो समझ में आया बच्चों, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ तुम लोगों को, I'll give some homework questions. ईमानदारी से करना है, ठीक है ना, जब भी सीखोगे। एंड आस्क मी डाउट, अगर तुम्हें डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी। तो क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, अभी थोड़े से अच्छे क्वेश्चन होंगे।
क्वेश्चन वन होमवर्क क्वेश्चन फाइंड एक्स इफ log x to the base 2 plus log x to the base 4 plus log x to the base 16 is equal to 7. मुझे x निकालना है, ठीक है? उसने एक इक्वेशन दे दी log x के टर्म्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ log 2 to the base 10 lies between 1 upon n plus 1 and 1 by n then find n, then find n और उसने बोल दिया है क्या n belongs to positive integers. third one now if a square plus b square is equal to 23 ab then prove that log of a plus b upon 5 is equal to half of log a plus log b. ठीक है, और क्वेश्चन लिख लो. क्वेश्चन नंबर फोर्थ, log of x plus 1 upon log x. ये भी अच्छा क्वेश्चन है, is equal to, है बहुत छोटा पर अच्छा क्वेश्चन है. अच्छा, एक और क्वेश्चन लिखते हैं हम. क्वेश्चन नंबर सिक्स, log of, देखना ध्यान से थोड़ा टर्म को सही लिखना. ये बाहर का रूट है, इसका पावर है फोर्थ रूट, मतलब 1/4 पावर. दिस इज फोर्थ रूट ऑफ, इधर लिखा है 729 मल्टीप्लाइड बाय फिर क्यूब रूट ऑफ, दिस इज नेक्स्ट वन इज क्यूब रूट ऑफ 9 की पावर माइनस 1. चलो इसको ढंग से लिखते हैं एक बार. 9 की पावर माइनस 1 इंटू 27 की पावर माइनस 4/3. ढंग से लिखना, ठीक है ना? हमें इसको सिंप्लीफाई करना. एक बार देख, बोल देता हूँ मैं, सुन लो एक बार. लॉग बेस दिया है 1/3 और आर्ग्यूमेंट क्या दे रखा है, पहले तो लिखा है फोर्थ रूट. फोर्थ रूट मतलब मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में बताया था 1/4 होता है. अंदर क्या लिखा है 729 इंटू फिर क्यूब रूट ऑफ, तो उसके अंदर लिखा है 9 की पावर माइनस 1 इंटू 27 की पावर माइनस 4/3. दोबारा एक बार, 9 की पावर माइनस 1 इंटू 27 की पावर माइनस 4/3. दिस यू हैव टू सिंप्लीफाई. और एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं. 81 की पावर 1 अपॉन log ऑफ 9 टू द बेस 5 प्लस 3 अप की पावर. ये काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, जो लास्ट के क्वेश्चन है ना, सेवंथ क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ, काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है. तो टाइम देना थोड़ा. ठीक है ना, एक बार रीड कर देता हूं. 81 की पावर में लिखा है 1 अपॉन log 9 टू द बेस 5 प्लस 3 की पावर में लिखा है 3 अपॉन log 3 टू द बेस रूट 6. दिस इज रूट 6, ठीक है ना? एक बार क्लियर लिख लेते हैं इसको. बेस में रूट 6 है इसके, अपॉन 409 और फिर दिस होल मल्टीप्लाइड विद, ये पूरा मल्टीप्लाइड है, ठीक है ना? दिस होल इज मल्टीप्लाइड विद. नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखा है रूट 7 की पावर के ऊपर लिखा है 2 अपॉन log 7 टू द बेस 25 माइनस 125 की पावर में लिखा log 6 टू द बेस 25. तो थोड़ा लग रहा है बहुत बल्कि क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई होकर बहुत छोटा सा आंसर आने वाला है, बट इसमें काफी प्रॉपर्टीज यूज हो जाएंगी हमारी, ऑलमोस्ट सभी प्रॉपर्टीज जो भी हम पढ़े हैं ना. तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है? ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं इसका होमवर्क का, उसके बाद वी विल एंड अप विद दिस लेक्चर. क्वेश्चन नंबर 8, क्या 7 8 8 हो गया, 8 हो गया अपना. 5 की पावर में log of half की half to the base 1/5 plus log to the base root 2, वो इधर लिखा है 4 upon root 7 plus root 3 और last term इसी के अंदर plus log of 1 upon 10 plus 2 root 21. ठीक है, तो जो लास्ट के दो क्वेश्चन दिए दे वर वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. ठीक है, एक बार मैं बोल देता हूँ कि क्वेश्चन क्या लिखा है. 5 की पावर में लिखा है log of half to the base 1/5, फिर सेकेंड टर्म है प्लस log
और आर्ग्यूमेंट दे रखा है 4 अपॉन रूट 7 प्लस रूट 3, इस लॉग का बेस इज रूट 2 प्लस लॉग ऑफ, हाँ इसका बेस देना भूल गया, इसका बेस इज हाफ 1 अपॉन 10 प्लस 2 रूट 11 21। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, फुल एनर्जी देना अपनी, ठीक है ना, सीखने मिलेगा, काफ़ी सीखने मिलेगा, फुल एनर्जी के साथ ये क्वेश्चन 8 को अटेम्प्ट करना हो। बट उससे पहले लेक्चर, अगर तुम्हें लगता है कि नहीं अभी थोड़ा और सीखना है, तो जो मैंने लेक्चर्स के इलस्ट्रेशन लिए उनको दोबारा एक बार प्रैक्टिस करना, ठीक है, उसके बाद अटेम्प्ट करना, लेकिन हाँ जब कॉन्फिडेंस आ जाए उसके बाद इसको अटेम्प्ट करना, क्योंकि अगर इसको करोगे और तुम्हें ये सॉल्व खुद से हो गया, तो मतलब ये समझ लो अगर तुमने सेवंथ और एट्थ स्पेशली सेवंथ और एट्थ क्वेश्चन तुमने खुद से कर लिया, दैट मीन्स तुम्हारी प्रॉपर्टीज पक्की हो गई, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।